अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नमरा हमीद और आप देख रहे हैं अंबर्स किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी मूंग दाल की खिचड़ी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है देगची, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम ऑनियन। एक नॉर्मल साइज़ का ऑनियन मैंने कट कर लिया था बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में। एक दफ़ा इसको करेंगे ऑयल में मिक्स और इसमें ऐड कर देंगे साबुत ज़ीरा, मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। ये एक तो बहुत प्यारा लगता है और दूसरा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए हमने इसको अभी से शामिल कर देना है प्याज के अंदर। और अब हमने प्याज को ब्राउन होना है, ज़्यादा भी हमने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है इसको। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे हम नमक 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया मैंने रेड चिली पाउडर, बस यही इसमें शामिल करना है और ज़्यादा कोई मसाला इसमें ऐड नहीं हम करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसका तड़का लगाएंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 6 गिलास पानी, 3 गिलास चावल यूज़ किए इसलिए मैं इसमें 6 गिलास पानी इस्तेमाल करूँगी, बाकी का पानी भी इसमें शामिल कर दिया। और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 गिलास एक्स्ट्रा दाल के गलने के लिए, ये भी इसमें शामिल कर दिया है। इसको एक दफ़ा अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल, छिलकों वाली मूंग की दाल है, इसे मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था, इसे इसमें शामिल कर दिया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे, फ्लेम को मैंने मीडियम हाई रखा हुआ है और दाल को गलने देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। तो उसके लिए अब मैं इसको कवर कर दूंगी इस तरह से और अब हम 10 मिनट के बाद देखते हैं 15 मिनट के बाद कि दाल गल चुकी है या नहीं। 15 मिनट हो चुके हैं तो चलिए चेक करते हैं। फ्लेम को मैंने ज़रा कम कर दिया है और दाल देखिए बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जी आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी गल चुकी है, यानी कि दाल अब बिल्कुल रेडी है और पानी भी इतना ही हमें चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। तो चलिए चावल अब हम इसमें शामिल करते हैं। चावलों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावलों को इनमें शामिल करेंगे बहुत अच्छी तरह से, हमने चावल का एक भी दाना ज़ाया नहीं होने देना। चम्मच की मदद से सारे चावल हमने साइड से भी साफ़ कर देने और इसको इसमें शामिल कर देना है। चावल मैंने शामिल कर दिए हैं, फ्लेम को मैंने हाई रखा है, एक दफ़ा इसको मिक्स किया है हमने और अब हमने पानी के ड्राई होने तक इसका वेट करना है। तो इसको मैं कवर कर रही हूँ, कवर कर दिया और अब हम देखते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद आप देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और जो है वो खिचड़ी भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अब हम इसको लगाएंगे दम, तो उसके लिए मैंने रखा है रुमाल और रुमाल के ऊपर हम इसका ढक्कन रख देंगे और अब हम 10 मिनट तक इसको दम देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। आराम से हम इसको रुमाल को साइड पे करेंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिचड़ी तैयार है। इसे मैंने डाल दिया एक प्लेट में और इस पर रखा है मैंने मक्खन का पीस। तो ये घर का बना हुआ मक्खन है, ये किस तरह से बनाया जाता है इसकी मैं रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बहुत ही हल्की फुल्की सी खिचड़ी तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही मज़ेदार और न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।